देख, मैं अब इसमें बताऊंगा आप लोगों को। ये तो क्या बोला जाता है, मेन डायमीटर है, बॉडी है इसमें अपना, 6 पॉइंट है, दो इधर, एक ऊपर, दो इधर और एक नीचे, 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट है। मैं बताऊंगा इसमें, ये आपका स्पॉट में चल जाएगा, ये सीधा सीधा इधर इधर, ये आपका स्पॉट हो गया। और फिर दूसरा, ये आपका गर्म पानी का है, ये गर्म पानी का मैंने गीज़र उधर लगाया है, तो ये गर्म पानी यहाँ पे ये चल रहा था तो ऑफ साइड भी नहीं बैठ रहा था, इसलिए डबल एल्बो से मिलाया हूँ। और ये इधर, ये वाश बेसन के लिए कंसिंग बॉडी मिक्सर है, तो उसके बाद उधर वाश बेसन के लिए उधर चल जाएगा ऊपर, ये गीज़र के लिए, गीज़र अपना ऊपर लगेगा तो चौड़ा झड़ी देख रहे हैं, तो ये ठंडा का छोड़ा हुआ है, ये गर्म का छोड़ रहे हैं, तो ये अपना ठंडा गर्म ऊपर चल जाएगा, ऊपर से गर्म उतर के आएगा, ये ऐसा आया, ये गर्म पानी इसमें टच हो गया, 2 पॉइंट हो गया, ये स्पॉट का, ये गर्म पानी का। अब इधर देखिए, ये अपना बॉडी जेट का है, बॉडी जेट मैंने यहाँ पे एमटी मारा है, एमटी मार के यहाँ पे टी लगाया है, टी लगा के ये दोनों तरफ पॉइंट ले लिए हैं, ये अपना जेट है, एक जेट। और इसी से ये मैं दूसरा जेट बनाया हूँ, फिर इसी से टी मार के सीधा तीसरा जेट बनाया हूँ, फिर इधर ये चौथा जेड बनाया हूँ, यानी 4 जेड है इसमें, बॉडी जेड 6 जेड भी रहता है, लेकिन यहाँ पे 4 जेड का ऑर्डर था इसलिए 4 जेड दिया हूँ। आप देख सकते हैं दूर से। अरे भाई लाइट जलाने यार, लाइट जलाने, 4 जेड का मांग था इसलिए 4 जेड दिया हूँ। ये देखिए, ये मेन डायवेटर में आपका लेवल बाटला भी दिया है, इससे आप लेवल देख सकते हैं, मेरा लेवल बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये आप 4 जेड का जान गए, ये 3 हो गया, ये गर्म पानी इसमें इंजेक्ट हुआ है, और ये स्पॉट का है, और ये बॉडी जेड का ये लाइन है जो इंटर कनेक्शन किया हुआ है, चारों आपस में मिला हुआ है। इससे क्या होता है इंटर कनेक्शन करने में, कि आपका सब जेड में बराबर पानी आएगा। अब ये आपका 3 बज गया, 3 हो गया, ये आपका हैंड शावर का, ये हैंड शावर का मैंने अभी पॉइंट नहीं दिया हूँ, लेकिन ये हैंड शावर इधर पे लगने वाला है हैंगिंग हुक के साथ, ये हैंड शावर का हो गया। ये अपना इनलेट है, ठंडा पानी, कोल्ड, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है भी कोल्ड, ये ठंडा पानी का है। इधर आप देखें, ये ठंडा पानी में बताया था पहले वाश बेसन के तरफ लेके जाके, ये अपना यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है ठंडा पानी से, ये जेड स्प्रे जो बाथरूम करें वो धोने में ठीक है, ले आओ ना। हाँ ठीक है, ये अपना उठा के ये ठंडा कंसील बॉडी मिक्सर में दिया, और यहाँ से आगे रिटर्न फिर यहाँ पे टी मारा हुआ, ये अंदर वाला देखिए, अंदर वाला मिट्टी मार के उधर लेके जाके ये अपना ऊपर वो गीजर में चल गया है ठंडा पानी, इसका हो गया। अब आइए आप लोग फिर मेन डायवेटर के पास, ये अपना है ये शावर के लिए, सेलिंग शावर बनेगा यहाँ पे, जगह आप बता रहा हूँ, ये 3 पॉइंट गया है शावर में, तो ये सेलिंग शावर का ये 3 पॉइंट तो नहीं बना सकता है, लेकिन ये 1 से 3 कैसा बनता है देखिए, ये एक मेन डायवेटर से उतरा है जिसमें लेवल बाटला है, इससे उतरा है, देखिए आप मेरी उंगलियों को यहाँ पे ऑफ साइड मारा हूँ, इसलिए पाइप लड़ जा रहा था बस में, फिर इधर से ये इतना डिस्टेंस लिया कि बॉडी वेट नहीं बैठ रहा था, इसलिए थोड़ा इसको दूरी, आप अगर करना तो इसको दूरी लेना, इधर से इसको उठा के इधर से ये बॉक्स लगा दिया, आप लोग देख नहीं पाएंगे, तो इधर से ये इसमें मिला है, ये छोटा डायमीटर,
इसमें एक पॉइंट मिला है, उसके बाद इससे तीन पॉइंट निकला है, ये छोटा डायवेटर से तीन पॉइंट निकला, एक सीधा ऊपर, ये ऐसा। तो ये सावा का पाइप है, ये मेरा बाहर से आया है पाइप, ये पाइप ऐसा आया, ये फ्लश वाला, ये फ्लश वाला में गया, ये अपना फ्लश वाला, मेरा फ्लश वाला कुछ समझ ही रहे हैं जो प्लम्बर होंगे, ये ढक्कन खुल जाएगा, इस पर वो प्लेट बैठेगा, इसको पुश करेंगे तो वो डब्ल्यू सी में कमोड में पानी आएगा। ये डब्ल्यू सी को पॉइंट छोड़ के रखे हैं, यहाँ से अभी पाइप लेंगे डब्ल्यू सी मिला के, और ये चेयर ब्रैकेट भी बैठाएंगे यहाँ पे। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। कैरियर कर ले ठीक है।